प्रश्नमाला 5D का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखिए यहां पे भिन्न का जोड़ है, तो इसको हल करेंगे। देखिए जो भी हर में है उसका हम लघुत्तम लेंगे, तो 7 7 का लघुत्तम कितना होगा, 7। ठीक है, और देखिए 7 से एक बार में ये भागा हो रहा है, तो 1 से हम 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 7 से 7 बार में हो रहा है, तो 3 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/7। देखिए दूसरा, तो ये सब समान हर वाला भिन्न का जोड़ है, तो इसमें भी देखिए इसका भी लघुत्तम कितना होगा, 129, क्योंकि दोनों जगह 129 ही है, बराबर है, तो ऊपर में जो है उसको बस लिख देना है, 91 + 38, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 8 1 9 9 3 12, 129/129। देखिए ऊपर भी जोड़ने पे 129 आया, नीचे तो 129 पहले से था, तो ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए 129 से 129 में भागा होगा तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें देखिए तीसरा में 79 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 67 + 15। जब भी देखिए समान हर में उसका अंश जो है उसी को बस जोड़ देते हैं, तो देखिए 7 5 12 6 1 7 1 8, यानी 82/79। तो इसको देखिए अगर भागा देंगे तो आ जाएगा 1 पूर्णांक, देखिए 79 3 82 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि शेष 3 बचेगा, और जो भाजक है उसको यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 पूर्णांक 3/79। फोर में देखिए 3/8 + 0/8, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, 8, ऊपर हम लिखेंगे 3 + 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। तो देखिए दूसरा का पहला, दूसरा में भी भिन्न का जोड़ है, बस इसमें देखिए हर जो है अलग अलग है, यहां पे 17 है, यहां पे 51 है, तो 17 51 का लघुत्तम क्या होगा, देखिए 17 3 51 होता है, यानी जो बड़ा है वही इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो 51 लिखेंगे। ठीक है, तो 17 से 3 बार में 51 कट रहा है, तो 3 से 9 में गुना करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, + 51, देखिए यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 है, तो बस 11 को हम लिख देंगे, जो ऊपर है जो अंश में वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 7 1 8 2 1 3, यानी 38/51 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 11 और 7, तो 11 7 का लघुत्तम हो जाएगा, 11 7 देखिए किसी से नहीं कटता है, तो इसको बस गुना कर देंगे, तो 11 7 77, 7 से 11 बार में लगता है, देखिए 7 से 11 बार में 77 कटता है, तो 11 6 कितना हो जाएगा, 66, 6 से गुना कर देंगे 11 को, तो हो जाएगा 66 + 11 7 77, तो 7 3 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 1 7 6 2 8, यानी 87/77। इसको भागा करेंगे तो आ जाएगा 1 पूर्णांक, देखिए शेष कितना बचेगा, 77 से 87 को लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, तो 77 10 87 होता है, 10 जोड़ेंगे तब, तो इसका शेष हो जाएगा 10, तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और जो भाजक है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 77 जो हम इसको हम यहां पे लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 पूर्णांक 10/77 इसका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 7/9 + 12/21 + 6/27, तो 9 21 और 27 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए तीसरा में ये 12/21 है, ये 6/27, तो देखिए ये 3 से कट रहा है, तो 3 से इसको काट लेंगे, 3 चौक 12 और 3 7 21, ये भी देखिए 3 से कट रहा है, 3 2 6 3 9 27। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे कोई एक अंक से कट रहा हो तो उसको हम काट कर लेंगे, ताकि जोड़ने में हमको ज्यादा ज्यादा अंक बड़ा अंक का लघुत्तम ना लेना पड़े, इसीलिए क्या करेंगे कि पहले काट करके हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, एक अंक से देखिए यहाँ पे 3 से दोनों कटा, यहाँ पे 3 से कट रहा है, अब देखिए कोई नहीं कट रहा, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, 7/9 + 4/7 + 2/9, तो देखिए कितना,
इससे बहुत छोटा हो गया है, तो अब इसको हम आसानी से इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए 9, 7 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 किसी से नहीं कटता है, तो 9 सते 63 हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो यहां पर 63 लिखेंगे, देखिए 9 सते 63 7 बार में कटता है, तो 7 सते 49 यहां पर लिखेंगे, प्लस 7 नवा 63 तो 9 चौक 36, प्लस 9 सते 63 तो 7 दूनी 14। इसको देखिए जोड़ते हैं, तो 9 9 6 15, 15 4 19, हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, 5 4 9, यानी 99/63 आया। ठीक है, अब देखिए ये कितना बार में कटेगा, तो 9 से कट रहा है, 11 9 99, 9 सते 63, तो कितना आ गया, देखिए 11/7 आ गया ये। तो इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा, 7 से 11 में भागा देंगे तो 1 पूर्णांक, देखिए 7 4 11 होता है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, शेष 4 हुआ और यहाँ पे हो जाएगा 7, 1 पूर्णांक 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 में 3/16 प्लस 2/3 प्लस 1/8 है, तो हम 16 3 8 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 16 सबसे बड़ा है, देखिए 16 3 और 8 में, तो 16 दूनी 32, 32 3 से नहीं कटता है, 16 3 48, देखिए 48 3 से कट जाता है। ठीक है, तो 16 3 कितना लेंगे, 48, यहाँ पे 48, या तो 16 गुने 3 भी कर सकते हैं क्योंकि 3 और 16 देखिए किसी से नहीं कटता है, तो बस गुना कर देंगे, 16 3 48। ठीक है, तो 16 से कितना बार मार है, 3 बार में, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, 3 से 16 बार में कट रहा है, तो 16 दूनी 32 प्लस 8 से 8 6 48, तो 6 गुने 1 6, तो ये हो जाएगा देखिए 9 9 2 11 11 6 17, हाथ में रहा 1 3 1 4, यानी 47/48 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भागा नहीं हो क्योंकि हर बड़ा है यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में 6 पूर्णांक 1/5 प्लस 7 पूर्णांक 2/3 प्लस 11 पूर्णांक 1/6 है, तो इसको पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 6 5 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे, और नीचे कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, प्लस 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23/3, प्लस 11 6 66, 66 में 1 जोड़ेंगे तो 67, 67/6। तो देखिए ये हो गया 31/5 प्लस 23/3 प्लस 67/6, तो 5 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 का पहाड़ इसमें देखिए 5 और 3 है, तो इसमें देखिए 6 सबसे बड़ा अंक 6 है और 5 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30, 30 देखिए 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 30, तो 5 6 30, 31 गुने 6 करेंगे तो 31 6 देखिए 6 गुने 1 6 6 18, यानी 186, प्लस 3 से 10 बार में, तो 23 गुने 10 230, प्लस 6 5 तो 67/5 कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 30 आ रहा है, तो 67 गुने 5 यानी 7 5 35, हाथ में रहा 3, 6 5 30 3 33। तो देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 0 और 5 कितना हो गया, 11, हाथ में रहा 1, 8 1 9, 9 3 12, 12 3 15, हाथ में रहा 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 7, यानी 751/30। तो देखिए इसको हम भागा देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, 30 दूनी 60 लगाएंगे, उसके बाद देखिए 60, अब 75 है, तो 15 बचेगा, तो 15 1 के साथ आएगा, तो 151, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 5 150, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है, तो 25 पूर्णांक 1 बचा, आप देखिए 151 था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 25 पूर्णांक 1/30 इसका आंसर हो जाएगा, 25 पूर्णांक 1/30। तो 6 में देखिए 7 पूर्णांक 2/9 प्लस 9 पूर्णांक 3/4 प्लस 11/12, तो देखिए पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 9 सते 63 2 65/9 हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 3 39/4 प्लस 11/12। तो देखिए 9 4 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 12 देखिए बड़ा है सबसे, तो 12 दुनी
चौबीस, चौबीस नौ से नहीं कटता है तो छत्तीस। देखिए छत्तीस जो है नौ से कट जाता है, बारह तीन छत्तीस, और चार से भी कट जाता है तो यहाँ छत्तीस होगा इसका लघु उत्तम। ठीक है, नौ चौक छत्तीस तो पैंसठ चौक, देखिए पांच चौक बीस, हाथ में रहा दो, हाथ में रहा दो, छह चौक चौबीस, दो छब्बीस, यानी 260 हो जाएगा। तो देखिए चार नंबर छत्तीस, चार से नौ बार में कट रहा है तो उनचालीस गुने नौ कितना हो जाएगा, देखिए नौ नंबर इक्यासी, हाथ में रहा आठ, नौ तीस सताईस, आठ पैंतीस, तो यहाँ पे हो जाएगा 351 प्लस 12 तीस 36, 11 तीस 33। तो देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो 0, 1 और 3, 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक है, 6, 6 5 11, 11 3 14, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, हाथ में रहा 1 तो 2 1 3, 3 3 6, यानी 644 बटा 36। तो ये देखिए 644 बटा 36 जो है चार से कट रहा है, देखिए दोनों तो चार से, ये देखिए पहले चार नंबर 36, चार से इसको काटेंगे तो एक बार में देखिए दो इधर गया, चार चार छक 24, फिर चार है तो 161, यानी कितना आ गया 161 बटा 9। अब इसको देखिए भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, नौ से एक बार में लगाएंगे तो नौ सात 16, सात इधर गया तो 71 हो गया, तो नौ सात 63, 63 और 71 में कितना अंतर है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये नीचे कितना है 9, यानी 17 पूर्णांक 8 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 4 पूर्णांक 2 बटा 9 प्लस 12 पूर्णांक 7 बटा 9 प्लस 23 पूर्णांक 9 बटा 11। तो इसको देखिए हल करेंगे तो पहले पूर्णांक हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, दो 38 बटा 9 प्लस 12 नमा 108 और 7 कितना हो जाएगा 115 बटा 9 प्लस 23 गुने 11 करेंगे तो आ जाएगा देखिए 262, 262 में 9 जोड़ेंगे तो 200, देखिए 23 गुने 11 करेंगे तो आ जाएगा 253, और 253 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 262, तो यहां पे लिखेंगे 262 बटा 11। अब देखिए नौ नौ और ग्यारह का लघुत्तम कितना हो जाएगा 99, तो हम यहाँ पे 99 लिखेंगे तो नौ से देखिए 11 बार में, 11 नौ 99 तो 11 गुने 38 418, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 418 प्लस नौ से देखिए 11 बार में लग रहा है 11, तो 115 गुने 11 हो जाएगा 1265 प्लस 11 नौ 99 तो 262 गुने 9 हो जाएगा 2358। ठीक है, देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है इसीलिए थोड़ा अच्छा से गुना भागा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4041 बटा 99। ठीक है, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 4041 बटा 99। तो इसको देखिए 9 से काटेंगे, दोनों कट रहे हैं 9 से, देखिए 4 4 8 एक 9, इसको अंक जोड़ने पे 9 आ रहा है, यानी 9 से कटेगा तो 11 नंबर 99, इसको 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, चार इधर गया देखिए 9 चौक 36 फिर, और 9 नंबर 81, तो ये हो गया कितना 449 बटा 11। ठीक है, अब इसका देखिए पूर्णांक तोड़ते हैं तो भागा देंगे तो 11 पूर्णांक में इसको लाएंगे तो 11 चौक 44, ठीक है 9 नहीं लगेगा तो हम 0 देंगे क्योंकि शेष 9 बच रहा है, नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए शेष कितना हुआ 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और जो भाजक है उसको यहां पर लिख देंगे 40 पूर्णांक 9 बटा 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। 8 में देखिए 4 बटा 11 प्लस 9 पूर्णांक 3 बटा 8 प्लस 12 पूर्णांक 1 बटा 7। तो इसको हम देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो इसको लिखेंगे 4 बटा 11 प्लस 9 अटी 72 3, 75 बटा 8 प्लस 12 सत 84 1, 85 बटा 7। तो देखिए 11 8 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा, तो देखिए 11 8 और 7 है देखिए हर में, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा देखिए 68 56, 56 गुने 11 करेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 616। ठीक है, अब देखिए 11 से 56 बार में 616 लगेगा। ठीक है, 11 से अगर 616 में हम भागा देंगे तो कितना आएगा 56, 56 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 224। ठीक है, पहले हम भागा करते हैं जो हर है उससे, फिर जो आता है उससे हम अंश को गुना करते हैं, तो 224 प्लस, अब 8 से इसको हम भाग करेंगे 616 को तो आएगा 77, 77 गुने 75 करेंगे तो आ जाएगा 5077
775, ठीक है, प्लस यहां पे लिखेंगे। अब देखिए 7 से 616 में हम भागा देंगे तो आ जाएगा 88, 88 × 85 करेंगे तो आ जाएगा 7480। तो देखिए बीच में हम प्लस लिखते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये तीनों को अब जोड़ेंगे। देखिए 224, 5775 प्लस 7480 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा देखिए 13479, ठीक है, बटा हो जाएगा 616। अब देखिए इसको हम भागा देंगे तो आ जाएगा 21 पूर्णांक, देखिए दो बार में लगा, ये दो बार में लगेगा, फिर शेष बचेगा 543, तो शेष को हम यहाँ लिखेंगे और भाजक को यहाँ पे, यानी 21 पूर्णांक 543 बटा 616 इसका आंसर होगा, ठीक है, 543, यानी ये 4 है देखिए, तो 21 पूर्णांक 543 बटा 616, तो इस तरह इसको हम हल कर लेंगे ये दोनों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 4/15 प्लस 3 पूर्णांक 7/16 प्लस 8 पूर्णांक 5/12 प्लस 1 पूर्णांक 5/32। तो इसको देखिए हम पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो देखिए 4/15 प्लस, अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 तिया कितना होता है 48, 48 7 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55/16 प्लस 12 8 कितना होता है 96, 96 5 हो गया 101/12 प्लस 32 × 1 32, 32 5 37, तो हो गया 37/32। अब देखिए 15 16 12 32 का हम लघुत्तम लेंगे, 480 आएगा, देखिए 15 16 12 32 का लघुत्तम आएगा 480, तो देखिए 15 से 480 में भागा देंगे तो 32 आएगा, 32 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 128, तो हम यहाँ पे 128 लिखेंगे। 16 से 30 बार में आएगा भागा देने पे, देखिए 16 38 और 0 है तो 30, 30 × 55 करेंगे तो आ जाएगा 1650। अब देखिए 12 से कितना बार में, 40 बार में ये कटेगा 480, तो 40 × 101 करेंगे तो 4040 आएगा प्लस, अब देखिए 32 से जो है 15 बार में ये 480 कटेगा तो 15 × 37 करेंगे तो आ जाएगा 555, ठीक है। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे चारों को तो आएगा 6373/480। अब देखिए इसको हम भागा देंगे तो 13 बार में देखिए लगेगा, पहले एक बार में 480 से 637 को लगाएंगे, फिर जो आएगा उससे फिर 3 बार में लगेगा, यानी 13 बार में बचेगा कितना, तो शेष बचेगा 133 और भाजक कितना है 480, तो इसका आंसर हो गया 13 पूर्णांक 133/480, ठीक है, इस तरह से इसको देखिए हल कर लेंगे।